किया कांग्रेस के, उसी पे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान भी दिया था और एक बयान उनका मनमोहन सिंह जी के एक स्पीच को लेकर भी हाल में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ने तब की यूपीए सरकार में कहा था कि माइनॉरिटीज पर देश के रिसोर्सेज का सबसे पहले हक है। अब ये तो जितने बयान अभी लगातार आ रहे हैं, जिस प्रकार से मैनिफेस्टो आए और उसमें कहा है मुस्लिम लीग के तर्ज पे कर रहे हैं, और अभी मनमोहन सिंह जी जो बयान है उस पे कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मनमोहन सिंह जी के भाषण के एक टुकड़े का आप एक लाइन को उठा लेंगे, एक शब्द को उठा लेंगे, पूरा जो वाक्य उसे तो पढ़ो आप, उसमें तो उन्होंने सबके लिए कहा है और आप केवल एक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ कहने कुछ नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम लीग का उल्लेख तक नहीं है, मुस्लिम का दूसरा कहीं मंगलसूत्र सबको हिंदुओं को मंगलसूत्र लेकर सबको वितरण करना है ये उल्लेख नहीं है, तो ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, तभी इस प्रकार से बातें करेंगे, अन्यथा कोई भी संतुलित व्यक्ति इस प्रकार से बात नहीं करेगा जो मोदी जी ने कही। इंडिया अलायंस, एक क्वेश्चन है, इंडिया अलायंस और मोदी जी, ये कहा जाता है कि मोदी वेव, पिछले 2014 और 2019 इलेक्शन, दोनों इलेक्शन में ये कहा गया कि मोदी वेव के कारण भाजपा जीती है, क्या आपको लगता है इस बार कोई ऐसी मोदी वेव है? देखिये, उस समय 2014 में ये हुआ था कि मनमोहन सिंह जी काम करने वाले प्रधानमंत्री थे, बोलते नहीं थे, तो लोगों ने कहा बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, तो ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। और दूसरी बात, दूसरा जो इलेक्शन है वो मोदी जी पे नहीं था, वो आपके राष्ट्रीय भावना को आपने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पुलवामा उसको आपने भुनाया, यहां कहा कि एक वोट क्या उन नौजवानों के लिए, जवानों के नाम से नहीं हो सकता जो बात कही, तो ये मोदी जी के लिए नहीं था, वो तो देश के एकता अखंडता वाली बात थी। अब वो मोदी सेंट्रिक कर लिया है, तीसरा जो इलेक्शन है, और उसके कारण से उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल सर, भाजपा का 400 पार क्या लगता है आपको? ये केवल अब तो बोलना भी बंद कर दिए, शुरू में कहते 400 पार, अब तो खुद ही करें 300 मिल जाए तो बड़ी बात है, अब वो चर्चा होने लगी है प्रथम चरण के चुनाव के बाद, ये तो 200 में सिमट तो नहीं जाएंगे। स्थिति ये है, जो राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां से जो खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बुरी खबर है। देश की जनता को कुछ कहें? देश की जनता से ये कहूंगा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है, आज संविधान खतरे में है, और संविधान रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम सब को अधिकार और सुरक्षा मिलेगा, और इस संविधान के लिए देश में हमारे नेताओं ने, इसी संविधान और लोकतंत्र के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने शहादत और अपनी कुर्बानियां दी है, तो इसके बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। धन्यवाद।